अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ कोयला कढ़ाई। ये देखिए, मैंने 2 किलो गोश्त लिया है। अभी मैं बताऊँगी ये किस तरह बनेगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, धनिया, जीरा, काली मिर्च, पीसी हुई मिर्च, जी ये गरम मसाला। इसको मैं मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करके इसे 1 घंटे के लिए रख दूँगी। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, 1 घंटे के लिए इसे रख दूँगी। ये सारा मिक्स ही घर का सारा मसाला है, मैंने पैकेट नहीं डाला इसमें। ये सारा मिक्स करके मैं 1 घंटे के लिए इसे रख दूंगी। ये 10 मिनट के बाद ये शान का कढ़ाई, ये मैं इसमें पैकेट मटारा शान वालों का मैं इसमें डाल दूँगी ना। ये 10 मिनट के बाद इसमें 2 स्पून डलेगा ये, बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ। आपको मिर्च तेज़ खाना है तो फिर इसे मिर्च ज़्यादा डालें इसमें। इसे मैं 1 घंटा छोड़ दूँगी, ये 1 घंटा इसे मैं छोड़ दूँगी। ये देखें, मैं ये चूल्हे के ऊपर का ये हटा के इसमें मैंने कोयला बिछाया, ठीक है। इसको मैं बंद कर रही हूँ। ये करके ये कोयला देखें, चूल्हे के अंदर कोयला है, ये अभी मैं जलाऊँगी। ये देखें, मैंने 3 ब्लॉक रखा यहाँ पे, फिर मैंने नीचे कोयला बिछा दिया। यहाँ पे नीचे थोड़ी सी बजरी रख के कोयला बिछा दिया है और मैंने ये 3 ब्लॉक रखा है। अब चूल्हे पे जो कोयला मैंने डाला था जला के, वो कोयला ला के अब इसके ऊपर मैं बिछा दूँगी। ये देखें, ये कोयला पूरी तरीके से जल चुका है। अब मैं इस पर डेगची रखूँगी, कढ़ाई तो बड़ी नहीं है, मैं इस पर डेगची रखूँगी कोयले के ऊपर। ये मैं इसमें तेल डाल, ये तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें ये तो डाल रही हूँ। वो करके बस मिक्स करके मैं इसको ढक दे रही हूँ, ये धीमे आँच में पकेगा। इसको मैंने ढक दिया, 15 मिनट के बाद मैं इसको ढक्कन खोलूँगी। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको खोली हूँ, गोश्त गल चुका है। ये देखें, गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें बता रही हूँ आपको, ये ब्राउन प्याज है, घी में ब्राउन प्याज है, मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी प्याज। अब मैं इसे उतारूंगी। ये
ये देखिए हमारा कोयला कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसमें ये डालूंगी, ये हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया। ये हमारा कोयला कढ़ाई तैयार है, आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।